अमेरिका के केंटकी प्रांत में गवर्नर का चंडीगढ़ दौरा। मैट वेबिन की अध्यक्षता में 25 सदस्यीय दल पहुंचा चंडीगढ़, विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधि समूह में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात हुई है। हरियाणा में नए व्यवसाय स्थापित करने पर चर्चा हुई है। अन्य क्षेत्रों में पूंजी निवेश को आकर्षित करने पर भी बातचीत हुई है। अहमदाबाद में अमेरिका के केंटुकी प्रांत के गवर्नर मैट बेविन की अध्यक्षता में 25 सदस्यीय विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों के एक समूह ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान हरियाणा में नए व्यवसाय स्थापित करने और अन्य क्षेत्रों में पूंजी निवेश को आकर्षित करने को लेकर विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए कहा कि बीते 3 सालों से उन्हें अमेरिका जाने का मौका मिला और वहां उन्हें अमेरिका में स्थापित व्यवसाय को जानने का अवसर भी मिला। उन्होंने कहा कि हरियाणा में सिविल एविएशन, एमआरओ, आईटी, स्मार्ट सिटी, एग्रो इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग और पैकेजिंग जैसे क्षेत्रों में नए उद्योग विकसित करने की अपार संभावनाएं हैं। इन क्षेत्रों में अमेरिका की कंपनियां निवेश कर अपने उद्योग स्थापित कर सकती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि युवाओं को तकनीकी स्तर पर दक्ष किया जा रहा है, उन्हें चैंपियन ऑफ चेंज के रूप में स्थापित किया जा रहा है ताकि वो देश और प्रदेश की तरक्की में अपना योगदान दे सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम को ग्लोबल सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली के आसपास लगते हरियाणा के क्षेत्र को भी भविष्य के संभावित क्षेत्रों में देखा जा रहा है। केंटुकी के गवर्नर मैट बेविन ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं। अगले 15 से 20 सालों में भारत एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर कर आएगा। उनके प्रांत में एरोस्पेस, एविएशन, ऑटो, पेट्रो, रबर, प्लास्टिक, मेडिसिन, सड़कें और शिपिंग इत्यादि क्षेत्रों में तरक्की के नए आयाम स्थापित किए गए हैं। बेहतर सड़क, रेल और हवाई मार्ग कनेक्टिविटी होने से औद्योगीकरण को भी बढ़ावा मिला है। आज मैं स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने के लिए गया था और बहुत एक यानी जिसको कहना चाहिए बहुत ही उच्च श्रेणी का ये एक स्मारक जो बनाया गया है देश के अगली पीढ़ी के आने के लिए उनको प्रेरणा मिलती रहेगी। देश की एकता अखंडता का जो एक एक प्रकार से अपने वल्लभ भाई पटेल जी के जो उन्होंने काम किया उसको याद कराता रहेगा हमेशा ही। इस मामले में हरियाणा तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज की इस बैठक से अच्छे संबंध बने हैं और इससे अच्छे बिजनेस की संभावनाएं उभर कर आएगी। फिलहाल देखना होगा कि जिस तरीके से संभावनाएं उभर कर आएंगी, क्या वाकई युवाओं को रोजगार मिलेगा, क्या वाकई हरियाणा नंबर 1 पे टिका रहेगा। चंडीगढ़ से अनिल कुमार की रिपोर्ट, टोटल न्यूज़।